माशाल्लाह आप इतनी क्यूट हैं <laughs> तो कोई इंडिया से ऑफर आ जाए लेट्स सपोज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है अच्छा ओके okay. इंडिया से ऑफर आई है तो क्या कहेंगी करेंगी या अभी आप पायलट वाले काम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे अच्छा देखिए आई एम वेरी क्लियर मेरा लाइसेंस आएगा अभी कहीं एयरलाइन में जॉब होती है तब तो मैं बिल्कुल भी मीडिया को नहीं करूँगी ठीक है मीडिया बिल्कुल कट कर दूंगी कट हाँ बट जब तक जॉब का नहीं होता तब तक मैं कर सकती हूँ और अगर इंडिया से ऑफर आएगी तो वाई नॉट सब सबको करना है काम ठीक है बट मानता कोई नहीं है एंड आई है सो मैनी फ्रेंड्स इन इंडिया तो वाई नॉट अच्छा आ, अगर ये एविएशन की प्रोफेशनलिज्म की बात की जाए एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान मैं बड़ा हमेशा इंडिया से कंपेयर करवाता हूँ लोग बोलते हैं कि यार इंडिया बार बार बोलते हो मैं बोलता हूँ मज़ा आता है तो उनकी आप वहाँ पे भी एयर इंडिया है पाकिस्तान में पी आई पीआई पी आई है, एक जमाने में तूती बोलती थी अब थोड़ा सा स्ट्रगल करती है आप बताएं दोनों में कंपैरिज़न बनता है या वो बहुत आगे देखिए अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखें और अगर आप उन्हें देखें तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है ठीक है आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान है। से बट आई रियली होप के पी आई ए जो है पी आई ए बेहतर हो क्योंकि हमारे मुल्क की एयरलाइन है बुरा लगता है लिटरली बुरा लगता है जब आप लाइक इस तरह की चीजें सुनते हैं और आई रियली होप के पी आई ए दोबारा से उसी तरह से PIA वैसे उसे काम तो कर रही है एज अ पैसेंजर मैं आपको रिव्यू दू इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तो पी आई ए बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छी सबसे कम एयरक्राफ्ट भी बहुत अच्छे आप देखें अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ मैंने पी आई ए पर या ट्रेवल किया था स्कर्दू जब में गई थी मैं ज़्यादा प्राइवेट एयरलाइन जो दूसरी हैं उन पर करती हूँ या आ, मेरे बहन भाई दोनों होते हैं दुबई में तो मैंने टिकट बुक किया बट ये कि मैंने कंफर्म नहीं किया तो अब कैंसिल हो गया एंड इट वाज सो एक्सपेंसिव जब मैंने लास्ट चेक किया तो मैंने पी का चेक किया पी का टिकट हाफ था लिटरली हाफ था कि आप एक तरफ वहाँ 170 और सॉरी 130 दे रहे हैं और यहाँ पर 70,000 का रिटर्न था लाइक ठीक है लेट्स ट्राई डेढ़ घंटे की फ्लाइट है और वाकई मतलब नॉट देट बैड हम लोग ना अपनी चीजों की खुद बहुत ज्यादा बुराई कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें नो डाउट इम्प्रूव होने वाली हैं बट हमारा मसला ये है कि हम चीज़ों को जिनको इम्प्रूव करना होता है हम ये नहीं कहते कि ये चीज़ इस तरह से बेहतर हो सकती है हम कहते हैं यार ये तो चीज़ ही खराब है और यार ये तो ठीक ही नहीं है यार इनके तो पायलट ठीक नहीं है यार मतलब हादसा किसी इंसान के हाथ में नहीं है ठीक है आप उसे मतलब

जान प्यारी है इस तरह से तो आप ये देखें ना आ, कोई भी प्रोफेशन उठा लें डॉक्टर्स को आप देख लें ठीक है जान तो नहीं भी प्यारी है कोविड में सारे थे ना आ, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म होती है एक जिम्मेदारी होती है और ये जो मे डे कॉल होती है <laughs> ये तो आप लोगों के ख्वाब में भी ये लफ्ज आप लोगों को डराता होगा कि मे डे मे ये फाइनल वार्निंग होती है पायलट की तरफ से कि मेरे हाथ में अब जहाज नहीं है ऐसे ही एमरजेंसी है एग्जैक्टली ऐसे ही तो अगर लाइक रन वे में बाकी कोई जहाज़ होता है कोई चीज़ होती है तो फिर एक तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है और फिर जितना भी लाइक एमरजेंसी का होता है जैसे एम्बुलेंस या बाकी सारी चीज़ होती हैं हर चीज़ को वहाँ पर रेडी किया जाता है अच्छा जैसे गाड़ियाँ होती हैं हमारा जिसमें मैनुल भी होती हैं ऑटोमेटिक भी होती हैं ट्रक की टेक्निक अलग है क्रेन की टेक्निक अलग है अगर टेक्निक वाइज पूछूँ ये जो एयरलाइन होती है थ्री एटी हो गई बोइंग हो गई इसमें और हेलीकॉप्टर में और जो ये फाइटर जहाज है इन तीनों की टेक्निक अलग है देखिए जमीन आसमान का फर्क है अच्छा जमीन का? जमीन आसमान आसमान का 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 फर्क है मतलब पायलट वो नहीं चला सकता वो वो पायलट नहीं नहीं, चला नहीं, सकता सबको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग अच्छा। लेनी पड़ेगी उसके बाद अपने लाइसेंस कन्वर्ट करवाने होंगे जिस तरह से अभी हम लोग दे रहे हैं तो बहुत सारे एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं जो लाइक वहाँ से रिटायर हो चुके हैं वो आकर हमारे साथ एग्जाम्स दे रहे हैं वो वो एग्जाम्स के बाद भी हैंटेड करेंगे एंड देन उसके बाद जो है वो एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं